राम राम जी मेरे सारे भाइयों को। भाई आज हमारे पास है KTM की ड्यूक 125 सीसी के सेगमेंट के अंदर, और बताने वाले इस वीडियो के अंदर भाई क्या पड़ रही है अपनी एक शोरूम, क्या पड़ रही है अपनी ऑन रोड दिल्ली प्राइसिंग के अंदर, और क्या क्या फीचर्स बाइक के अंदर यूट्यूब अपने एडवांस हुए हैं। तो करते हैं वीडियो फटाफट से अपनी स्टार्ट और बात करते हैं फ्रंट से। फ्रंट से मिलते हैं इसमें आपको अपनी इसकी अपनी हेडलैम्प जो बात करते हैं, तो इसमें मिल रही आपको अपनी DRS अपनी दोनों तरफ लगकर। और बात करें अपने हेडलैम्प की, तो इसमें लग के मिल रहा है अपना बल्ब आपको, जो इसमें पर मिल रहा है आपको अपना हेलोजन के अंदर। नंबर पर प्लेसमेंट मिल रही है आप सभी को अपनी। साइड में टर्न मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको अपने LED के अंदर। बस इसमें आपको अपना हजार ऑप्शन नहीं मिल पाता। एंड जो बाकी अंदर बल्ब के मिल रहा है आपको, बाकी पूरा अंदर क्रोम फिनिश में लाइट मिल रही है अपनी, कोई स्मोकी ब्लैक नहीं मिल रही है आपको अपनी। बस चाबी करते अपनी ऑफ। नीचे मिल रहा है प्लास्टिक का अपना मडगार्ड, जो मिल रहा है आपको अपना हाफ ग्लॉसी ब्लैक के अंदर। पीछे मैट फिनिश में मिल रही है आपको अपनी। और नीचे लग के मिल रहा है इसमें आपको अपने WPFX के मिल रहे सस्पेंशन लगकर आप सभी को अपने। USB फोक मिल रहे हैं आपको इस तरीके से। इसमें लगे हुए अपने रिफ्लेक्टर सस्पेंशन के ऊपर। और नीचे मिल रहा है इसमें आपको अपने ट्यूब लस्टर MRF का। एंड बात करें अपने एलॉयस की, तो भाई इसमें यू शेप की मिल रही है अपने आपको एलॉयस की डिज़ाइन अपनी, जो ग्लॉसी ब्लैक के अंदर मिल रहे हैं आप सभी को अपने। एंड अब आते हैं इस साइड, तो इस साइड मिल रही है आपको अपनी डिस्क। जो बात करें अपने डिस्क साइज़ की, तो भाई 300 mm की मिल रही है बाइक के अंदर आपको अपनी डिस्क, जो कि आपको बाइक मिल रही है आपको अपनी ABS में फ्रंट में आपको इस तरीके से। एंड बात करते हैं अपने साइड प्रोफाइल में, तो पहले बात करें टायर साइज़ की, तो भाई 110/70 R17 इंच का मिल रहा है पूरा आपको अपना व्हील साइज़, जो कि ट्यूबलेस टायर मिल रहा है इसके अंदर। और बात करें अपने ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 155 mm का मिल रहा है बाइक के अंदर आपको अपना ग्राउंड क्लियरेंस, जहाँ पे आपको रेसिंग की टीम की ओर की बैजिंग आपको इंजन पे ये मिल रहा है। इसमें आपको इंजन गार्ड बोलो या इसको बोलो अपना कोई अंडर बेली कवर, जो मर्जी बोलो, अंडर बेली कवर पीछे तक होता है, बाकी इंजन गार्ड बोलो इसके अंदर जो मिल रहा है। इसमें आपको मेटल फिनिश के अंदर आप सबको काफ़ी हार्ड क्वालिटी मिल रहा है, कुछ भी पत्थर कंकड़ी वगैरह उसमें आपको इसमें लगने नहीं देगा, आपको अपने इंजन के ऊपर डैमेज नहीं आएगा। एंड बात करें अपने साइड प्रोफाइल में, तो इसी ये मिल रही है इसकी आपको थोड़ी सी मिल रही है प्लास्टिक के अपने एलिमेंट्स आप सभी को, जहाँ पे अपनी ड्यूक 125 की और के बैजिंग आप सबको इस तरीके से अपनी, ताकि उसमें देख रहे हो उसमें इस तरीके से मिल रहा है, बाकी इसमें इस तरीके से मिल रहा है अपना। वो न्यू वाली है अपनी 250, एंड ये अपनी ओल्ड वाली है ड्यूक 125 सीसी के अंदर आती है जो। और यहाँ से अपना होगा अपना कूलेंट फिल, अपना टॉपअप होगा अपना, KTM की बैजिंग और रखी है आप सभी को अपना इस तरीके से। बाकी जो जैसी हो रखी है वो दिख रही है आपको पूरी अपनी, हाफ मिल रही है ग्लॉसी ब्लैक के अंदर, हाफ मिल रही है आपको अपनी ऑरेंज के अंदर, और इस तरीके से अपनी देख सकते हो। और पीछे मिल रहा है इसमें आपको अपना मोनोस्टॉक सस्पेंशन, जो मिल रहा है WPFS का अपना। ये मिल रहा है इसका आपको अपना इसका ब्रेक पेडल रियर वाला पोर्ट्रेट एडजस्टेबल पीछे वाली। एंड पीछे मिल रही है आपको अपनी अंडर वैली कवर मिल रहा है नीचे की तरफ आप सभी को अपना। और पीछे मिल रही है अपनी आपको अपनी डिस्क। पहले बात करते हैं बाइक के अपनी मेन डिस्क साइज़ की, तो 230 mm की मिल रही है बाइक के अंदर आपको अपनी डिस्क, जो कि ट्यूबलेस टायर का MRF टायर मिल रहा है इसके अंदर आपको। टायर हैगर लग के मिल रहा है सबको अपना। बाकी टायर से बात करें 150/60 R17 मिल रहा है पूरा व्हील साइज, पीछे लगे में टायर हैगर आपको वो, बाकी मिल लाइट अपनी। और बाकी ये जो इसके जो अपने हैंडल ग्रिप है भाई, ये बाइक की जो अपनी प्रोटेक्शन करते हैं काफ़ी ज़्यादा, दो तरह काम हो रहा है भाई। जैसे मान लो बाइक अब गिर जाती है, तो जो प्लास्टिक कवर है ना उसमें डैमेज नहीं आएगा, जो उसके हैंडल जो अपने ग्रिप हैंडल्स है ना इन पर ही डैमेज आएगा, क्योंकि भाई ये बॉडी से काफ़ी बाहर निकले हुए हैं अपने इस तरीके से। तो भाई ये एक चीज़ तो बहुत मुझे ड्यूक की बहुत अच्छी लगी अपनी इस तरीके से मामले में तो। और बाकी मिल रहा है पीछे सेक्शन अपना टर्न इंडिकेटर LED के अंदर। मैं चाबी अपनी ऑफर दिखाता हूँ, अगर दिखाता हूँ सभी को अपनी पीछे क्या नज़ारे मिल रहे हैं आप सभी को अपने। ये मिल रही है आपको अपनी लाइट अपनी LED, जिसको अपने ब्रेक पर प्रेस करेंगे तो इस तरीके से अपनी होगी अपनी प्रेस वगैरह इस तरीके से। और ये मिल रही है आपको अपनी LED लाइट अपनी। नीचे मिल रही है आपको अपनी नंबर प्लेसमेंट रिफ्लेक्टर लग के मिल रहा है। एंड बात करते हैं साइड में, तो पीछे तक मिल रहा है इसमें आपको अपना साड़ी गार्ड लगकर, और फाइबर का मिल रहा है आपको अपना चेन कवर इस तरीके से अपना। एंड ये मिल रहा है फुटर एडजस्टेबल, और आगे वाले मिल रही है फुटर एडजस्टेबल। और बाकी 6-speed गियर बॉक्स मैनुअली मिल रहा है अपना, फर्स्ट रहेगा डन, 5 लगेंगे सारे अपने आप अपने। और बाकी इस साइड भी अपनी जो चेसी है वो पूरी आपको अपनी शो हो रखी, विजिबल हो रखी, आधी हाफ ग्लॉसी ब्लैक के अंदर और हाफ अपनी ऑरेंज के अंदर। एंड बाकी लाइट कट वगैरह लगे हुए अपने, और सेम इस साइड में मिल रहा है आपको अपना KTM की अपनी कुछ इस तरीके से पूरी 125 की बैजिंग अपनी ऑरेंज के फेयरिंग पे अपनी, थोड़ी सी फेयरिंग मिल रही है, थोड़ी सी ज़्यादा थोड़ी सी प्लास्टिक मिल रहे हैं। बाकी ये मिल रहा है टैंक मेटल फिनिश के अंदर आपको, जिसमें भाई 13.4 liter की मिल रही है फ्यूल टैंक कैपेसिटी, फुल फ्लो कैप मिल रहा है, 20 की बैजिंग मिल रही है अपने इस तरीके से। और बाकी वाइट कलर का टैंक मिल रहा है पूरा आपको अपना। चाबी की दिखाते हैं आपकी आपको, तो KTM 27 तो मिल रही है फिजिकल की, जिसमें मिल रही है आपको वेव की अपनी, ऐसे करते हैं बाइक में अपनी इंसर्ट। और दिखाते हैं आपका इसका मेन अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो मेन इसका स्पीडोमीटर है अपना। भाई ये काफ़ी दिलों पर चढ़ता है वाला मीटर अपना, जो पहले वाली KTM आती थी उसमें लगाता था पहले अपने ड्यूक में अपना, और अभी तक भी इसमें आ रहा है इस वाली बाइक में अपनी। देखो इसमें मिल रही है 13,000 तक की मिल रही है आपको अपनी RPM लिमिट, बाकी ABS वगैरह दिखा रखा है अपना, बाकी यहाँ पे अपनी इंजन चेकलाइट वगैरह, न्यूट्रल लाइट वगैरह सारे तमाम पीछे दिखाएंगे, ऊपर दिखाएंगे इंजन चेकलाइट वगैरह, न्यूट्रल लाइट, ABS लाइट। और बाकी यहाँ से अपना
ट्रिप ए ट्रिप बी और सेडान लगा हुआ है अपना, बाकी अपने रेंज वगैरह सब चीज़ दिखाएगा अपना। बाकी जो पहले आता था अपना इसका जो हैंडल बार आता था जो पाइप आता था अपना वो सेम ऐसे मिल रहा है इसके अंदर, अपना एडिटर सब कुछ चेंज नहीं करा गया। बाकी कंट्रोल्स मिल रहा है पासिंग हाई बीम लो बीम इंडिकेटर स्विच टर्न इंडिकेटर स्विच हॉर्न स्विच एंड यहाँ मिल रहा है आपको अपना मेन इंजन किल स्विच और ये मिल रही है आपको लाइट अपनी जो इंजन किल स्विच स्विच मिल रहा है सेल्फ का अपना। बाइक ग्रिप हैंडल कुछ मिल रही है, टच काफ़ी सॉफ्ट मिल रहा है बाइक के अंदर और जो इनकी लाइट है जो जहाँ पे इसके स्विचेस है ना वहाँ पर लाइट जलती देखा भी होगा आपने इस तरीके से ब्लू कलर की। और बाकी अपनी मिल रहा है आपको बल्ब अपना हेलोजन लाइट के अंदर आप सभी को अपना। और बात करते हैं भैया वो अपने क्या और बात करते हैं बाइक के अपने मेन दिल की जो इसका मेन अपना इंजन है तो 125 से मिल रहा है इसका कोई इंजन जो कि सिंगल सिलेंडर लिक्विड फ्यूल बाइक है अपनी। और बात करें पावर की प्रोड्यूस कर रही है भाई 14.5 की पावर प्रोड्यूस कर रही है। और बात करें इसके मैक्स टॉर्क की तो भाई मोटा मोटा 12 NM का टॉर्क अपनी प्रोड्यूस कर रही है जो कि अपना एवरेज 45 से लेकर 48 तक अपनी अपने एवरेज क्लेम कर रही है। काफ़ी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अपने एवरेज की सीटी मामले में। ओके और अब बात करते हैं बाइक की अपनी मेन कीमत की तो ये पड़ रही है आपको अपनी एक्स शोरूम 1,79,000 रुपीज़ की। और बात करें बाइक की अपने ऑन रोड दिल्ली प्राइसिंग की तो ये पड़ रही है आपको अपनी 2,05,000 रुपीज़ की ऑन रोड दिल्ली प्राइसिंग के अंदर। ऑल एड्रेस अपने इंक्लूडेड है अपने इसके अंदर और किसी भी शोरूम को बाइक चाहिए KTM की तो मैं इसका एड्रेस फोन नंबर मैं आपको अपना फिलअप कर दूंगा। और मिलते हैं आपको जल्दी से एक और से अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिर आपके लिए टाटा बाय।